Bricks. Good morning, all of the students, class 3rd. Myself, Nitish Sharma. Today I will teach you English lesson number 2. इसका फर्स्ट पैराग्राफ वीडियो में हम कल पढ़ा चुके हैं. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 16. नीना एंड बेबी स्पैरोज. नीना नाराज है अपनी माँ से. शादी का माहौल चल रहा है. देखिए मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग. माँ मैं शादी में नहीं जाना चाहती. बट भाई लेकिन क्यों. माँ पूछ रही है. नीना सेड नथिंग इंस्टेड. इसके बदले में नीना ने कुछ नहीं कहा. टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीज. और उसके गालों से उतर के दो बड़े बड़े आंसू ढुलक रहे थे. मदर पुट हर आराम नीना. माँ ने उसको अपनी बाहों में भर लिया. डोंट क्राई रो मत माई पेट. मेरे बच्चे सी सैड. उसने कहा वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू. वाई डोंट यू टेल मी. आप क्यों नहीं बताती हो मुझे व्हाट्स बॉदरिंग यू. आपकी परेशानी क्या है. मोर टीयर्स रोल डाउन नीना चीक्स. और नीना के गालों से होकर के कई आंसू निकल रहे थे. मदर सी सैड. उसने कहा माँ देयर इज स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम. माँ मेरे कमरे के अंदर जो किताब रखने का जो सेफ है उसके पास में स्पैरोज का नेस्ट है. गौरैया चिड़िया का घोंसला बना हुआ है मेरे कमरे के अंदर. जब बुक रखी जाती है वहां पे गौरैया चिड़िया का घोंसला रखा हुआ है. एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट. और उस घोंसले में दो बेबी दो बच्चे हैं स्पैरो के. आई सी सेड मदर. माँ ने कहा मैंने भी उन्हें देखा है. दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स. दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स. फेदर्स कहते हैं पंख. दे आर जस्ट बिगनिंग. बिगनिंग मीन शुरू हुए हैं. टू गेट देयर फेदर्स. अभी अभी उनके पंख निकलने शुरू हुए. पंख निकलने शुरू हो गए. एंड ग्रोइंग अप और बड़े हो रहे हैं. मेक्स देम सो हंग्री. और जिससे उन्हें भूख अधिक लग रही है. जिससे उन्हें भूख अधिक लग रही है. नीना बता रही है कि ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री. वो बड़े हो रहे हैं इसलिए उन्हें भूख अधिक लग रही है. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई. और सारे दिन वो चिल्लाते रहते हैं चीपते. आस्किंग फॉर फूड. भोजन लाने के लिए. भोजन लाने के लिए वो पूरे दिन भर चिल्लाते रहते हैं. आई सी सेड मदर. मैंने भी उन्हें देखा है. माँ ने कहा इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड. यदि हम जाते हैं कहाँ शादी में. यदि हम शादी में जाते हैं द होल प्लेस विल बी लॉक्ड. तो पूरा घर बंद हो जाएगा. होल प्लेस विल बी लॉक्ड. पूरा घर बंद हो जाएगा. एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज वेट देयर बेबीज. और कैसे उन छोटे बच्चों के जो पापा मम्मी हैं वो उन्हें किस प्रकार से एफ डब्ल्यू डी फीड फीड मन खिलाएंगे. उनके पापा मम्मी उन छोटे बच्चों को कैसे खिलाएंगे क्योंकि हमारा घर तो लॉक हो जाएगा. वो किधर से होकर उस कमरे में एंट्री करेंगे. ओ नीना क्राइड मदर. माँ ने चिल्ला कर कहा अरे नीना गिविंग हर ए बिग हग. और उसको गले लगा लिया नीना को. इज दैट व्हाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग. क्या ये परेशानी थी. इज दैट व्हाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग. क्या ये परेशानी थी जिसकी वजह से आप शादी में नहीं जाना चाहती. बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल. ये कोई समस्या नहीं है. बिल्कुल समस्या नहीं है. वी विल लीव द विंडो ओपन. हम जो है विंडो को ओपन छोड़ देंगे. खुली
खुली हुई छोड़ देंगे और विंडो ओपन हो जाएगी तो उसके जो इस पर वो बेबी के जो पापा मम्मी है यानी उनके माता पिता है वो आराम से उनको खाना खिला सकते हैं। ओ कैन बी मदर, क्या ऐसा कर सकते हैं? कैन बी मदर, क्या माँ ऐसा कर सकते हैं? कैन बी रियली, वास्तव में हाँ कर सकते हैं। यस यस आई विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम, हाँ आई विल रिमूव, मैं हटा दूंगी, हम हटा लेंगे ऑल योर थिंग्स सभी चीजों को फ्रॉम द रूम कमरे से, एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और कमरे की जो दरवाजा है उसको बाहर की साइड से लॉक कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, इससे घर भी सुरक्षित रहेगा, पूरा घर सुरक्षित रहेगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो के काम, और जो बच्चों के पापा और मम्मा है स्पैरो गौरैया चिड़िया आ सकती है, एंड गो फ्रीली स्वतंत्र रूप से, तो टू जस्ट थिंक नीना वैल यू एंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, इसके नीना आप शादी का आनंद लो, द बेबी स्पैरो विल बी गेटिंग नाइस एंड फेड इन देयर नेस्ट, और जो बेबी स्पैरो है गौरैया चिड़िया के जो बच्चे हैं विल बी गेटिंग अच्छे हो जाएंगे, नाइस गेटिंग नाइस अच्छे हो जाएंगे एंड फेड और मोटे हो जाएंगे इन देयर नेस्ट उनके घोंसले में। गुड आइडिया इज नॉट इट, बहुत अच्छा है, इट वॉज ए गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार था। व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी से होकर वापस लौटी, देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, तो वहां पर क्या थे प्लम्प, पी एल यू एम पी, प्लम्प प्लम्प होता है मोटे, लिटिल मीन्स छोटे, मोटे और छोटे स्पैरोज गौरैया चिड़िया के बच्चे फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में उड़ रहे थे, एंड बाजन नीना थ्रिल्ड, और उन्हें देख करके नीना भी बहुत खुश थी। तो बच्चों ये आपका लेसन इज कंप्लीट, पूरा हो गया है, एंड इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे कल बताएंगे टुमारो में। सो लर्न इट अगेन एंड रिवाइज एंड लर्न इट मीनिंग, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।